हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू संजीमा ब्लॉग। आई होप लोग सब बढ़िया है और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और इस टाइम में मैं उठ चुकी थी और उठने के बाद, जैसे फ्रेश होने के बाद मैं गर्म पानी पीती हूँ, तो इस समय मैं गर्म पानी पी रही थी और मुझे मन कर रही थी कि मैं आराम से बैठ के रिलैक्स होके पानी पीऊँ बोल के। सो मैं यहाँ पे चेयर लेके आए सामने में और आराम से बैठ के मैं पी रही, क्योंकि पंकज नहीं उठा था इस टाइम में। सो मैं उठ गई थी और मैं आराम से पानी, अपना गर्म पानी को मैं इंजॉय कर रही थी। पानी पी लिया मैंने और पानी पीने के बाद अपने लिए ब्रेकफास्ट बनानी थी, तो मैं इस टाइम में अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, गाजर और ये एक मिक्स करके। तो मुझे ऑमलेट बनानी थी तो मैं वही बना रही थी, क्योंकि मेरे पास खाने को था लेकिन मुझे एक और ये गाजर का जो ऑमलेट होता है वो मुझे मन कर रही थी खाने के लिए सुबह सुबह। सो मेरे साथ ब्रेकफास्ट में मैं वही खा लेती हूँ। और पंकज उठा नहीं था क्योंकि वो थोड़ा सा लेट उठे थे, तो उससे पहले, क्योंकि जब वो जिस दिन वो लेट उठता है तो उस मैं पहले ब्रेकफास्ट खा लेती हूँ, तो वो बोलता है कि आप पहले ब्रेकफास्ट खा लेना बोल के, तो मैं उसके लिए बाद में आराम से बना के देती हूँ। तो इस टाइम में मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया और ये बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही मज़ा का हुआ, तो मैंने ये बनाया। साइड में भी चाय बिठा दिया है और अभी होगा तो मैं ब्रेकफास्ट खा लूंगी। देखते हैं, अच्छा लग रहा है। में कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कट कर लेती हूँ, खाने में आसानी होगा। देख सकते हैं मेरा ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो गया, पिज्जा जैसा लग रहा है ना। ब्रेकफास्ट मैंने खा लिया है, अभी दूसरा काम करना स्टार्ट करते हैं। काम तो मैंने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट अभी ब्रेकफास्ट खा के ख़त्म हुआ है। तो पहले फटाफट से मैं घर का काम करती हूँ। पंकज तो अभी तक नहीं उठा है, सो जब उठेगा तो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के देंगे, तो उससे पहले मैं अपना घर का काम करना स्टार्ट करती हूँ। ये चना मैंने कल भिगा के रखा था और थोड़ा सा इसको वैसे मैंने सब्जी बनाई थी लेकिन इसको थोड़ा कच्चा खाने के लिए मैंने वो किया, तो इसका ये निकल गया है, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। उनका चूट गया है तो मैंने इसके लिए चाय बनाया है, तो इसको चाय के लिए दे देती हूँ। मैंने पंकज को भी चाय दे दिया है, अभी जो कल का मिल्क था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। अभी मैंने ये नया मिल्क लेके रखा था खाली, कल शाम को जब हम लोग पार्क गए थे, तो अभी इसको गर्म करके रख देती हूँ। अभी तो पीना नहीं है, अभी डायरेक्ट शाम को हम लोग पियेंगे चाय। पहले मिल्क बॉयल होने देते, सो मैं अभी बनाऊंगी सब्जी। तो मैं आज सोयाबीन बनाने वाली हूँ, सो अभी पहले थोड़ा देर के लिए सोयाबीन भिगो के रख देती हूँ।
इसको थोड़ा देर के लिए भिगा के रख देती हूँ। यहाँ पे मैं रोटी गूंद रही हूँ पंकज के लिए, क्योंकि वो रोटी खाएगा, और मेरे लिए तो मैं चावल बनाऊंगी क्योंकि मैं चावल खाऊंगी। सो पहले गूंद के रख लेती हूँ ताकि मेरे को आसान होगा ना बाद में फट से सब्जी बनाने का, साथ साथ रोटी बनाऊंगी। आटा गूंद लिया है, अब इसको इधर रख देते हैं, अभी बाद में सिर्फ इसको बनाना है। सो ये डन। मैंने प्याज काट लिया है, अभी पहले सब्जी बना लेती हूँ। पहले मैं इसको हल्का सा भून लूँगी, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद बनाऊँगी सब्जी में टमाटर। सब्जी बनाने के बाद इसको एक साथ डाल देंगे। मैंने इसको हल्का सा भून लिया है, आप देख सकते हैं, अब ये हो गया, इसको निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा जीरा और आप प्याज डाल दो। साइड साइड में चावल भी बिठा देती हूँ, ये है चावल। सो साइड में इधर सब्जी पकाते रहेगा और चावल भी पकते रहेगा, तो मेरा काम फटाफट से हो जाएगा। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और ऐसे गरम मसाला ये डाल देंगे। और मैंने ये टमाटर ग्राइंड किया था, एक टमाटर, उसको भी हम डाल देते हैं। अभी हम नमक भी डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल दूंगी। बस आप इसको अच्छा से पकाएंगे। मैं इधर साथ में टमाटर चटनी के लिए मैं ये टमाटर जला रही हूँ, सो इसको चटनी बनाऊंगी। आज का लंच बनके बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं, ये चावल है और ये सलाद मैंने काट दिया, और ये चटनी, टमाटर का चटनी जो मैंने जलाई थी वो, और ये चना, और ये सोयाबीन पंकज के लिए, और ये मेरे लिए, और ये रोटी है। सभी हम लोग लंच खाते हैं और मिलते हैं आपको थोड़े देर में। अभी इवनिंग हो चुका है, हम लोग उस टाइम लंच खाने के बाद रेस्ट करने लग गए थे, सो हम लोग रेस्ट किया और अभी 6 बज गए। सो मैं अभी चाय बनाती हूँ, और आप देख सकते हैं मैं कितना सुस्ती हो गई हूँ कि मैं बर्तन भी नहीं धोया है। लंच खाया वाला बर्तन ऐसे ही मैं रख दिया था। अभी पहले चाय बना लेते, चाय पीते हैं, उसके बाद एक साथ सारे बर्तन धोएंगे चाय पीने के बाद। मैं कॉफ़ी पीऊँगी तो मैं पहले चीनी डाल के पहले ये मिल्क को गर्म कर लूँगी, और मैं अपने लिए अलग से रखी, फिर उसको पंकज के लिए बनाऊँगी। मैं ये बिस्किट खाऊँगी, मेरा खाने खाएगा ये बिस्किट, गुड डे बिस्किट। सो ये मेरे लिए, स्माइल, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बिस्किट। ये है मेरा कॉफ़ी, हो गया, ये बनके तैयार है।
अभी मैंने उसमें चाय पत्ती डाल दिया चाय के लिए। पी लिया है और अभी हम थोड़ा पार्क में घूमने जाएंगे। अभी शाम 6:30 हो रहा है तो थोड़ा घूम के आ जाते हैं। अभी हम लोग पार्क से आ चुका है और अभी चिकन लेने के लिए हम लोग दुकान में आए हैं, तो अभी जाते जाते चिकन भी ले जाएंगे। हाँ वेट कर रही हूँ, मैं इधर सब्जी लेने आई हूँ। पंकज चिकन ले रहा है और मैं इधर सब्जी ले आई, मुझे ये ग्रीन साग लेना था। अभी हम लोग घर पहुंच गया है, अभी जस्ट अभी सब्जी लेके, तो हम सब्जी लेके आ गए। ये सारी अभी रात को बनाना है और मुझे ये ग्रीन साग बहुत खाने का मन था। उतना ताज़ा तो नहीं मिला, फिर भी ये ठीक ही है, मैं ये लेके आ गई। और थोड़ा कुछ सब्जियां और ये चिकन है तो ये बनाती हूँ। सो हाँ गाइस, मैं अभी बनाती हूँ, पहले सब्जी और डिनर बनाने के लिए स्टार्ट करती हूँ। और आज का वीडियो को भी मैं इतना में एंड करती हूँ। आई होप आज की मेरी वीडियो को आप लोग को पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।